शेयर कीजिए, जो मेगा स्टोर जो ओपन हुआ है इसके रिगार्डिंग में क्या क्या इसमें ऐसी चीज नई चीजें होंगी जो कि बाकी मेगा स्टोर। हाँ, पहली बात तो ये मोर का 605वां स्टोर है आज, और 605 में से हमारे 580 स्टोर जो है वो छोटे फॉर्मेट के हैं और 25 लार्ज जैसे मेगा स्टोर है। इस स्टोर की खासियत दो चीज़ों में है। एक तो जो हमारी ये फ्रेश की पूरी प्रोड्यूस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्टेपल्स, मेरे पीछे जो फिश एंड मीट वगैरह है, उसका जो क्वालिटी चेक और सोर्सिंग हम करते हैं वो हमारे हिसाब से इंडस्ट्री में बेस्ट है। तो कस्टमर यहाँ पर आके कुछ भी फ्रेश का आइटम ले, उनको क्वालिटी की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ्रूट्स में हम कोई भी राइपनिंग कार्बाइड या किसी आर्टिफिशियल चीज़ से नहीं करते हैं, पूरा नेचुरल है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली इस कैचमेंट के लिए जो है वो अपैरल जो है उसका जो प्राइसिंग है वो वैल्यू सेगमेंट में है। तो जैसे आप इस मॉल में भी देखेंगे, दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं तो वहाँ के जो प्राइस पॉइंट्स हैं वो हमारे अपैरल से ऑलमोस्ट डबल है, और इस कैचमेंट में काफ़ी स्टूडेंट पॉपुलेशन वगैरह है तो हमको लगता है कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये ओमैक्स के साथ आपका पहला कोलैबोरेशन है, इससे पहले भी आपके स्टोर्स और भी? नहीं, ओमैक्स के साथ ही हमारा पहला है, और मैं अभी उनके MD से बात कर रहा था। पहला और खाली वो एक ही नहीं होना चाहिए, होपफुली हम उनके साथ और भी काफ़ी स्टोर्स खोलेंगे। ये स्टोर थोड़ा कॉम्पैक्ट है, 25,000 स्क्वायर फीट, हमारे टोटल 605 स्टोर है और ऑल इंडिया 170 सिटीज़ में है, मोर और 11 स्टेट्स, 170 सिटीज़। लोगों को अटैक्ट कर सके इस मॉल में, स्टोर में अगर बात की जाए तो क्या ऐसी चीज़ है जो ताकि लोग यहाँ ज़्यादा ज़्यादा? देखिए, हमारी तरफ से जो भी आपकी पैकेज ग्रोसरी के आइटम्स हैं जो आप हर महीने खरीदते हैं अपने किचन के लिए, वो यहाँ पर आप आके दाम की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पर बिलो MRP है और वो आपको अच्छे प्राइसेस में मिलेगा। और जैसे मैं पहले बोल रहा था, जो फ्रेश के आइटम्स हैं उसमें क्वालिटी की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी फ्रेश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो बाहर ओपन मार्केट में मिलती हैं वो आपको पता नहीं चलता कि क्या क्या पीछे प्रोसेसेस अप्लाई किए गए हैं, एडल्ट्रेशन वगैरह। हमारे क्वालिटी प्रोसेसेस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा सबको पता है बहुत एक्सपेंड कर रहा है, तो आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशंस है कि मतलब किस तरीके का आपको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं, ये तो हमें तो ये कैचमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। हम नोएडा में भी स्टोर खोलेंगे और एक और स्टोर ग्रेटर नोएडा में भी देख रहे हैं थोड़ा सेंट्रल पार्ट पे। हमारा तो एक्सपेक्टेशन है कि ये हर स्टोर हमारा मिनिमम मंथली 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।